आज हम लोग बनाए हैं सोया का पकौड़ी। भी तवा पर रख के देखिए बहुत अच्छा से, यहाँ पर ताज़े ताज़े सोए ले लिए हैं हम लोग, हरे हरे हैं एकदम। तब इसको कटिंग कर लेंगे पहले हम लोग, बहुत ही अच्छा लगता है देख के कटिंग करके। और हरी मिर्च भी कटिंग कर लिए, प्याज कटिंग करके रख लिए। अब यहाँ पर चावल और जीरा और लहसुन का पेस्ट बना के रख दिया। अब इसमें हम लोग सोया डाल देंगे जो कटिंग करके रखे थे। अब इसमें हरी मिर्च और प्याज जो कटिंग करके रखे थे वो रख लेंगे हम लोग। प्याज ऐड कर दिए। अब इसके बाद इसमें मसाला ऐड करेंगे हम लोग, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक रखेंगे। उसके बाद हल्दी पाउडर, टेस्ट अकॉर्डिंग मिर्ची पाउडर रख सकते हैं आप लोग, कम ज़्यादा कर सकते हो। अजवाइन रख दीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है सोया पकौड़ी। मिर्ची पाउडर रख लिए। उसके बाद बेसन ऐड करेंगे हम लोग, थोड़ा सा आटा भी ऐड करेंगे। अब सबको मिक्स कर लीजिएगा अच्छे से। अब तवा हम लोग गर्म होने के लिए रख देंगे। तवा हम लोग का गर्म हो गया। अब उसमें ऑयल सरसों का तेल रखेंगे। अब उसके बाद छोटे छोटे आप लोग बड़ा भी कर सकते हैं, छोटे छोटे ऐसे पीसों में करके। तवा पर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत टेस्ट अच्छा आता है, क्रिस्पी बहुत बनता है। हम लोग तवा पर ही अक्सर सोया का पकौड़ी बनाया करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ऐसे ही करके एक एक करके हम लोग डाल देंगे सबको। उसके बाद पलट देंगे, एक साइड पक चुका है, दूसरे साइड हम लोग पकाएंगे। ऐसे ही करके सब पलट दीजिएगा, पलटते रहिएगा, नहीं तो जल जाता है। तवा पर एकदम लो गैस पर बनाइएगा, हाई पर मत बनाइएगा, नहीं तो हम लोग का पकौड़ा जो है जल जाएगा। अभी हम लोग और थोड़ा फ्राई करेंगे, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी बहुत लगता है। ऐसे ही करके देखिए हम लोग का पकौड़ी अब रेडी होने वाला है। ये अक्सर ठंडियों में खाया जाता है, बहुत अच्छा रहता है, गर्माहट भी रहता है ये खाने से। अभी हम लोग एक प्लेट में रख लेंगे इसको, देखिए कितना अच्छा बना है, क्रिस्पी बना है एकदम, और हेल्दी भी रहता है ये सोया का पकौड़ी। देखिए रेडी है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।